बेरमो अनुमंडल अंतर्गत गोमिया प्रखंड के होशियर पश्चिमी पंचायत एवं सियारी पंचायत के बीच बोकारो नदी पर बना पुल बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बताया जाता है कि 3 अगस्त की अल्ले सुबह नदी के तेज बहाव में पुल बीचों बीच एक पिलर के साथ बह गए। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार यह पुल 2024 में बनकर तैयार हुई थी। पुल के बह जाने से करीब 10,000 की आबादी प्रभावित हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि काम में भारी अनियमितता के कारण ही यह पुल बह गई। जिस वक्त यह घटना घटी उस वक्त पुल पर 3 लोग बैठे हुए थे। अचानक उन्हें आभास हुआ कि पुल गिर रही है और तीनों में से 2 किसी तरह भागने में सफल हो गए, लेकिन एक व्यक्ति भौरी लाल प्रजापति 55 वर्षीय जो कि खेती कार्य से पुल पार कर रहा था उस वक्त पुल के साथ बह गया, जिसके अभी तक कोई अता पता नहीं चल सका है। स्थानीय ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर गोमिया लालपिनिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है, जिससे आवागमन बाधित हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा के वरीय नेता देवनारायण प्रजापति पहुंचे और उन्होंने बताया कि अगर सही काम हुआ होता तो यह पुल नहीं बहता। उन्होंने अपने स्तर से कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की किंतु किसी ने फोन नहीं उठाया और ना ही पीड़ित परिजनों से अभी तक कोई मिलने के लिए आए हैं। बारिश इधर जो 2 दिन से हो रहा है तो बोकारो नदी में काफी तेज बाढ़ आ गया और बोकारो नदी पर ठंडे घाट के सामने जो पुल बना हुआ है वो 5-6 साल पहले बना हुआ है। यहाँ के कुछ किसान लोग जा रहे थे अपना खेती करने के लिए, नदी के उस पार में खेत था और जाने के क्रम में बीच से पुल अचानक टूट गया और बह गया। उसमें हमारे ठंडे के भौरीलाल प्रजापति थे जो बह गए हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। उनका उम्र करीबन 50-51 बरस है और उसके बाद देखिए ये सामने थे, इनके तो आवा यहीं आवा, ये अपना आँख से देखे हैं, ये बाल बाल बचे हैं। ऐसे 2-3 आदमी और थे जो साथ में वहाँ थे मौजूद। अभी हम लोगों का कहना है कि सबसे पहले वो जो पुल बना है उस संवेदक पर कार्रवाई हो, जाँच हो, और हम लोग का जो परिवार यहाँ से डेथ किया है उसको समुचित मुआवजा मिले, इसका प्रबंध करे सरकार अविलंब, तभी ये जाम टूटेगा। अथवा अभी जाम नहीं टूटेगा। क्या नाम है आपका? हम देव नारायण प्रजापति, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बोल रहे हैं। प्रशासन अभी तक कोई सूद नहीं लिया है। हमको जब सुबह 6 बजे पता चला तो 6 बजे से हम यहाँ के SDO को 10 बार फोन किए, वो हमको 7:30 बजे कॉल बैक किए। फोन का रिस्पांस कोई ऑफिसर नहीं लिए, CO को भी लगाए उनका भी फोन नहीं उठा। हम फिर राकेश वर्मा जी को फोन लगाए, नागेश्वर जी पत्रकार को फोन लगाए, तो ये लोग हमको रिस्पांस दिए। बाकी अभी तक कोई आदमी यहाँ आने का, स्थानीय विधायक का जो भी जनप्रतिनिधि हो, किसी ने इस कांड का सूचना नहीं दिया।